शंख ध्वनि से भगवान विष्णु के भगवान श्री कृष्ण को हम अभी पुकार रहे हैं। ये जो शंख ध्वनि है, ये ओमकार ध्वनि, ब्रह्मनाद ध्वनि, ये ओमकार ध्वनि से ब्रह्मनाद जो ओमकार नाद निरंतर ब्रह्मांड ओमकार नाद जहां पर चल रहा है वहां पर विष्णु को हम पुकार रहे हैं शंख ध्वनि से। आज 29 जनवरी बिना धन्यवाद उषा सिन्हा धन्यवाद वेलकम 29 जनवरी रविवार श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ जो हमारा वैष्णव धर्म में एक स्पिरिचुअल संस्था आज एक दो साल से कोरोना का बाद से निरंतर गीता को प्रमोट किया जा रहा है जो कि बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र कमल सर वेलकम धन्यवाद कपन कुंडला दीदी धन्यवाद। तो हम इस श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को डॉक्टर मानस सर को स्पेशल एंड कपाल कुंडला दीदी बोधी को विशेष धन्यवाद। ये जो प्रयास है समस्त मानव जाति के लिए, नॉट ओनली फॉर वन जाति, समस्त मानव जाति के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुखरा वृंद, बीच में कोई नहीं है, यहाँ पर ऋषि नहीं है, मनुष्य नहीं है, देव नहीं है, देवी नहीं है, संत नहीं है, डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण का मुंह से निकाला हुआ गीता, इस गीता ग्रंथ का बराबर इस संसार में आज तक कोई ग्रंथ नहीं बना ना बनेगा। हमें बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने का, 18 पुराण 4 वेद हम समर्थ नहीं है, हम बहुत लिमिटेड ज्ञान वाले, शक्ति वाले, सामर्थ्य वाले, धन वाले, सुंदरता वाले लिमिटेड है। आज कलयुग है, यहाँ पर तामस भरा चारों तरफ, निगेटिविटी भरा। मानस सर नमस्कार। तो इस समय केवल भगवान श्री कृष्ण का गीता एकमात्र हमारा संविधान समस्त मनुष्य मानव जाति के लिए संविधान। इस गीता शास्त्र जिस घर में नित्य पाठ होगा वहां भगवान स्वयं श्री कृष्ण का उपस्थित जहां पाठ होगा, शास्त्र में प्रमाणित ऋषि मुनिषगण बताया हुआ है। तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पढ़ाई लिखा का जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं, केवल कृष्ण ने क्या बोला, भगवान श्री कृष्ण क्या बोला, हमें उन्नत वैष्णव जीवन जीने के लिए सिंपल हर एक भाषा में लिखा हुआ आज का डेट में। हमें केवल निरंतर निरंतर, बीच में गैप नहीं चाहिए, निरंतर मिनिमम 1, 2, 3 श्लोक मंथन पढ़ते 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 उसका मीनिंग को अपना जीवन में, हमारा लाइफ में आर्ट ऑफ लिविंग। हमने अगर गीता का बात को एक कोई भी भक्त, कोई भी जो अपने आप को
ऊंचा। मनुष्य जीवन को सफल करना चाहते हैं तो हमें एकमात्र सहारा श्रीमद् भगवत गीता, तो हमें उसी का अनुसरण से हमें आज हर रविवार को रखा गया है बांग्लादेश और इंडिया का, विशेषकर जो भी थोड़ा बहुत स्वाध्याय जो निरंतर जब पाठ करने वाले है, इसको चुन चुन के एक घंटा का जो रखा गया है, एक बहुत महत धन्यवाद का पत्र प्रमोट किया जा रहा है। कृष्ण का सेवा है ये, डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण का सेवा, जहां पर कृष्ण कथा वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित। 18 नंबर लास्ट में बताया गया है कि कृष्ण केवल जो कृष्ण को विश्वास करते हैं, मानते हैं, उन्हीं को केवल कृष्ण कथा बताया जाए, अन्यथा दूसरा को नहीं। ये इससे बराबर कृष्ण सेवा इस दुनिया में, इससे पवित्र, इससे शुभ कृष्ण वाणी को डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जितना लेवल है बुद्धि का, हमारा ज्ञान का, हमारा समझ का जितना भी लेवल है, उस लेवल में हम आपस में डिस्कशन, हेयर इज नो एनीबॉडी पंडित, हम सभी बराबर है। जो थोड़ा स्टडी करता है निरंतर, उनको चुन चुन के विश्लेषण डिस्कशन आपस में एक दूसरा को उत्थान, ये उद्देश्य। ओम भैरवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिया यो न प्रचोदयात्। गीता का 10 नंबर अध्याय का 35 नंबर श्लोक में गायत्री छंदा में हो भगवान ने बोला है, अर्थात इसका मीनिंग है हमारा मन में हृदय में सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे मैं सत्कर्म भगवान श्री कृष्ण का परिचय, श्री कृष्ण विराट अनलिमिटेड एक शक्ति है, विराट धन्यवाद, तो वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, तो उसी का चेतन शक्ति जो उसी का भगवान का अंश हमारा हृदय में चैतन्य रूप में जो विराजमान, वो भगवान कृष्ण का ही अंश है। बहुत ज्यादा मंदिर तीर्थ का जरूरत है हमारा, यस श्री कृष्ण सर वेलकम इटालिक्त, तो हमारा हृदय में कृष्ण का परमात्मा का अंश आत्मा नाम से चैतन्य, बिना ईंधन का, बिना करंट का, बिना ईंधन का जो ज्योति, वो कृष्ण का अंश है। उसी को हम पहचानने के लिए हमें कितना पवित्र होना पड़ेगा, कैसे लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, ये गीता में क्लियर भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताए गए। अगर हम खासकर आफ्टर 60 रिटायरमेंट, उनके लिए बहुत जरूरी है, वानप्रस्थ शुरू हो गया, रिटायरमेंट हो गया, वानप्रस्थ शुरू हो गया, कृष्ण का बारे में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, अपना लाइफ को सार्थक बनाना है, चेतन शक्ति को कृष्ण को पहचानना है मृत्यु से पहले पहले। मैं अपने आप को उद्धार करके मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा सत्संगी भक्तजन को हम एक दूसरा को कृष्ण तत्व, व्हाट इज कृष्ण, हु इज कृष्ण, व्हाट इज द कलर ऑफ कृष्ण, व्हाट इज द पावर कृष्ण, इतना आसान नहीं है, लेकिन जो भक्त कोशिश करेगा, हम कोशिश कर रहे हैं, जिज्ञासु भक्त है, हम ज्ञानी भक्ति नहीं है, हम
आत्त, मर गया भगवान मुझे बचाओ, वह आत्त मैक्सिमम आत्त, अर्थार्थी, और पैसा दीजिए भगवान, संपत्ति दीजिए, धन दीजिए, वो अर्थार्थी, दे आर लो लेवल भक्त। तो ईश्वर जिज्ञासु टाइप भक्त, दे आर सी नाउ वेलकम जिज्ञासु। हमें और कृष्ण के बारे में समझना है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ज्यादा शास्त्र का, केवल श्रीमद भगवद गीता। अगर संस्कृत ना भी हम जाने तो उसका मीनिंग को डेली डेली पढ़े, डेली पढ़ेगा तो उसी एक ही श्लोक का मीनिंग नया नया फ्रूट्स फल अर्थ हमें प्राप्त होता है, जो कि निरंतर पाठ का बाद हमें एक आंतरिक निष्काम प्रेम आनंद महसूस होने लगता है हमें, तो हमें पता होना चाहिए श्री भगवान थ्रू द सद्गुरु, श्री भगवान थ्रू द सद्गुरु हमारा ऊपर कृपा शुरू हो गया है। अगर कृष्ण का गीता का हिसाब से हमने चलना शुरू किया तो हमारा स्टेप शुरू हो गया स्पिरिचुअल लाइफ में, और कृष्ण ने हमें कृपा शुरू किया थ्रू द सद्गुरु। तो हमें जीवन में सद्गुरु 60 का बात, खास करके उन भक्तजनों को 60 का बात, हमें संसार हमने कर लिया है, अभी 60 का बात हमने भक्ति में कृष्ण को पहचानने का कोशिश करें। शांतकारं भोजनशयनं पद्मनाभं शेषं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं गोपी निर्धानगम्यं वंदे विष्णु भवमहरं सर्वलोके कवास्थम। संस्कृत थोड़ा कमजोर है, प्लीज माफ कर देना। तो हमें आज मिला है प्रथम अध्याय गीता का, प्रथम अध्याय का 26 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक। अर्जुन जो कि परम पुरुष, जो कि इंद्रिय जयी, जो कि निद्रा जयी, जो कि पुरुषोत्तम नाम दिया गया है, ऑनेस्ट और स्पिरिचुअल, जिससे भगवान कृष्ण का श्याम सखा परम सखा, तो उनको भगवान ने चुना है इस गीता को, जिससे आज तक 5000 साल पहले जो गीता भगवान कृष्ण अर्जुन को दिया है, किसके लिए? मानव जाति के लिए, हमारे लिए। तो भक्त होना जरूरी है हमें गीता का मीनिंग को निकाल के अपना लाइफ में पालन करने के लिए। बहुत साल पहले, बहुत युग पहले भगवान सूर्य को दिया था, लेकिन वर्तमान में हमारा सामने अर्जुन को जो कि पुरुषोत्तम उनको दिया है, आज हम उस कथोपकथन का, कृष्ण एवं अर्जुन का कथोपकथन, कृष्ण विषाद, प्रथम अध्याय क्या है? विषाद, अर्थात हमारा जीवन में जब बहुत दुख महसूस होने लगे तब तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है। तो अर्जुन जब विषाद, जब किंग कर्तव्य विमूढ़ बनते हैं, जब युद्ध में खड़ा हो गया, अभी क्या करूं, क्षत्रिय है, युद्ध करना जरूरी है, लेकिन उसको मोह हो गया है। तो हम पढ़ेंगे, श्लोक में आएगा, थोड़ा सा हम उसको, अभी जो हमने पढ़ा है विष्णु का स्तुति, जिनको आकृति अतिशय शांत है, विष्णु का जो शेष नाग की शैया पर शयन है,
जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नीलवे के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनकी संपूर्ण अंग है, स्तुति है ये विष्णु का, स्तुति कृष्ण का स्तुति है। जो योग द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते ध्यान मेडिटेशन से, योगियों द्वारा भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण को प्राप्त किया जाता है। जो संपूर्ण लोगों के स्वामी है, जो जन्म मरण के भय के नाश करने वाला है, उस ऐसे लक्ष्मीपति कामनेत्र भगवान श्री विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। गीता का स्टार्टिंग में हमने विष्णु को स्तुति करना चाहिए। गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए? गीतायां पुस्तकं यत्र तत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तया रज्जानि प्रागादीनि तत्र है। अर्थात दास गीता का पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, यहाँ वर्तमान में हम यह पाठ कर रहे हैं। हम आपस में बांग्लादेश और इंडिया के भक्तजन गीता पाठ गीता श्रवण नहीं हो सकता, नेवर। जो लो लेवल लो मेंटेलिटी जो तामस प्रकृति जो टू मच रज अर्थात संसार में बहुत ज्यादा जो मजा हुआ है, उसको ये गीता पाठ सुनना और पढ़ना असंभव सा है। केवल स्पेशल भक्त जिनका पुण्य प्रारब्ध पहले का पुण्य थोड़ा बहुत कट्टा है, जिनका माँ बाप पहले कृष्ण का स्तुति किया हो, प्रार्थना किया हो, जप किया हो, ध्यान किया हो, उस घर में उस वंश में उस संतान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का मुखरा बिंद गीता को पाठ एवं श्रवण कर सकते हैं। सबका बस का बात नहीं है। वी आर स्पेशल सो वी थैंक्स टू इंडिविजुअल। हमें अपने आप को धन्य देना चाहिए। हमें वैष्णव को घर में, हमें सनातन धर्म में, हम भारतवर्ष में जहां पर भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे, शरीर धारण किया था, सर्वशक्तिमान शरीर धारण किया था। इस गीता को समझाने के लिए स्वयं भगवान आने से हमें पता नहीं चलेगा। स्वयं मनुष्य रूप धारण करके इस गीता को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हम भाग्यवान है। उसी देश में, उसी वैष्णव घर में, उसी भक्तों का समाज में हम पैदा हुआ है, तो हम धन्यवाद अपने आपको। जहां श्री गीता का पुस्तक होती है और जहां श्री गीता का पाठ होता है, वह प्रयागादि सर्वतीर्थ निवास करते हैं। प्रयागादि तीर्थ जहां गीता पाठ, ये भी गीता पाठ, और जहां गीता पाठ होता है प्रयागादि तीर्थ। कब तक तीर्थ भागेंगे, कब तक मंदिर जाएंगे? हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का अंश, जो आत्मा नाम से जो ज्योति, जो चेतन शक्ति, वहां पर कृष्ण को भगवान विष्णु को वहां पर दर्शन करे। ज्ञान से कहा ज्ञान मिलेगा, गीता पढ़ने से मिलेगा। गीता का अलावा दूसरा शास्त्र में, अलग अलग शास्त्र में अलग अलग देवताओं को प्रेरित दिया गया है। केवल श्रीमद भगवत गीता में भगवान कृष्ण विषाद युग में अर्जुन को हमारे जीवन में ये पढ़ने का बेस है। विषाद युग समस्त गीता का बेस है, तो अर्जुन को तब बोला है। और वर्तमान में हम ये पढ़ के हमारे लाइफ में जो दुख परेशानियां जर्जरित कष्ट में, यहां से कैसे निकलना है, इसका समाधान हमें ढूंढना है थ्रू द गीता। ऐसी कोई समस्या नहीं है इस दुनिया में, संसार में, श्रीमद भगवत गीता उसका समाधान ना दे सके। ब्रजगोपाल सर वेलकम। ऐसे संसार में भूरी भूरी प्रमाण ऋषि मुनियों द्वारा, संतों द्वारा प्रमाणित, स्वर्णाक्षर में लिखित, ऐसे कोई समस्या नहीं है इस संसार में जो इसका आंसर श्रीमद भगवत गीता से ना निकला हो।
अतएव हमें दूसरा विजयलक्ष्मी दीदी धन्यवाद। सो हमें श्रीमद् भगवत गीता का निरंतर हर एक का घर में सिर्फ पूजा करने से नहीं चलेगा, पाठ करने का प्रार्थना रिक्वेस्ट किया जा रहा है गीता प्रेस में ओनली 20 रुपीज में, हर एक भाषा में 25 या 20 रुपये में मिलता है गीता प्रेस में, रेलवे स्टेशन में मिलेगा। आप सबको अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि गीता ग्रंथ को घर में रखे और पाठ करने का अभ्यास श्रद्धाएं कहा गया है। डेली अगर हम पाठ करें उस घर में जो नेक्स्ट जनरेशन पूर्वजों, नेक्स्ट जनरेशन वर्तमान, उस घर में, उस समाज में, उस संत समागम में प्रस्पारिटी, नो डाउट स्वयं भगवान कृष्णेर मुखेर कथा, এখানে আমাদের ডাউট করা মতলব আমরা কৃষ্ণকে না মানা। আমাদের আজকে 1 ঘন্টার মধ্যে 26 নম্বর থেকে 30 নম্বরের মধ্যে বিশেষ কিছু নেই, সেখানে সিদ্ধি অর্জুনের বিষাদে আমরা পড়ব আজকে। আমি খালি আমি গীতা সুগীতা কর্তব্য কেমন নয় শাস্ত্র বিস্তরে যা স্বয়ং পদ্মনাভ মুখরা মুখ পদ্মাদি নিঃসৃতা স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুকে মুখরা বৃন্দ। আমি আবি কৃষ্ণ পর বিশ্বাস কম হ্যাঁ মুহ সে বলতে হ্যাঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ লেকিন কৃষ্ণ পর বিশ্বাস কম হ্যাঁ ইসলিয়ে কৃষ্ণ কো ছোড় কে হাম দূসরা দেব দেবী কা চক্কর মে কিউ দূসরা কো দেখ কে হাম প্রভাবিত হে দূসরা কো দেখ কে पिक्चर देख के, सिनेमा देख के, राजनीति देख के, संसार में जो बकवास करते हैं किधर उधर का, उनको देख के प्रभावित है। क्यों? हम गीता पढ़ते रहिए तो कृष्ण को और हमारा संशय है, अर्जुन का भी संशय था। 18 अध्याय हिंदी लो ब्रजगोपाल दा हिंदी लो रिक्वेस्ट करे सी अनेक कारण से हिंदी भाषी है माते सी अमर श्री कृष्ण चैतन्य नॉट ओनली लिमिटेड टू आवर कास्ट, वी शुड ब्रॉड दिस ब्रॉडकास्ट टू अदर अन्य भाषार मानु हरपा का अमर श्री कृष्ण चैतन्य संघ द्वारा हमी श्रीमद भगवद गीता पाठ कराने सामर्थ्य हमारे आसे। सो हमें लिमिटेड खुद हमारे भाषा में, हमारा भाषा में लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, हमारा भाषा में भी होता है नो डाउट, ये दिन होया गलगा और वही तो आज ही वही तो नो डाउट, बट जो अदर कास्ट दोस हु वांट्स टू नो वांट्स टू हियर अबाउट भगवान श्री कृष्ण दे शुड नो अबाउट आवर मैसेज दिस लिमिटेड विष्णु प्रिया मणिपुरी लिमिटेड बट प्योर बीज को हमारे पास है। श्री कृष्ण का हमें खुद अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए। हम बाय बात बाय जीन बाय ब्लड भगवान श्री कृष्ण का मारपेट को तो था हमारे पूर्वपुरुष रक्त ब्लड है जीन है भगवान श्री कृष्ण पुजारी हमारा, तो हम केवल अपना अंदर लिमिटेड नहीं होना है, हमें बाहर भी भेजना है, हिंदी में भी भेजना है, इंग्लिश में भी भेजना है, हमारे पास पावर है, हमारे पास और भी अच्छे अच्छे वक्ता है उनको भी प्रमोट करना है और नया नया वक्ता इसमें इस संघ का थ्रू जो कम पड़ता था जो नहीं पड़ता था यह का दीदी वर्कम जैसी वर्कम तो वो भी प्रमोट उनको भी उत्साह दिया जा रहा है। आपने अपने घर में चुपचाप पढ़ के रख दिया तो उसमें आजकल डिजिटल जमाना है, आजकल प्रमोशन का जमाना है, आजकल जितना विस्तार जितना प्रमोट जितना हम भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान को कोई भी भाषा में हो जितना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये कृष्ण सेवा, इससे ऊपर कृष्ण सेवा हो ही नहीं सकता। ज्ञान जगत जग्ग से ज्ञान जग्ग श्रेष्ठ कहा गया है, जग्ग जग्ग भगवान को
को जो हम जो कुछ देते हैं द्रव्य देते हैं दैट इज लिमिटेड। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ, कौन से ज्ञान? गीता ज्ञान श्रेष्ठ है, इस गीता ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करना इससे बड़ा पुण्य इस पृथ्वी पर आई थिंक नो। तो हमने टाइम शॉर्ट है, स्वयं भगवान विष्णु के मुखा बिंदु से निकले हुए गीता शास्त्र को गाने अभी पढ़ेंगे। गाने पढ़ने से पहले एक भूमिका, क्योंकि पहला अध्याय है इसलिए भूमिका जरूरी है। गीता शास्त्र को गाने और पालन करने जिनको महाफलदायक, यहाँ पर महाफलदायक बोला गया है। गीता शास्त्र पढ़ना सुनना महाफलदायक कर्तव्य होते हुए अन्य शास्त्र के विस्तार की क्या आवश्यकता है? नो नीड। गीता का अलावा दूसरा शास्त्र का कोई जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम भगवान का कोई भी नाम हजार नाम है, कोई भी नाम भगवान का नाम कंटिन्यू लेते रहेंगे तो हम एक प्योर वैष्णव होने के लिए बहुत स्टेप। केवल मुंह से भगवान कृष्ण का हरे नाम को नहीं चलेगा। गीता में 700 श्लोक में 18 अध्याय में पुरुषोत्तम अर्जुन को कितना कितना पावरफुल था अर्जुन, उसको समझाते 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 इतना पुरुषोत्तम, इतना ज्ञानी, इतना संयमी, इतना निद्राजयी, इतना इंद्रिय जयी अर्जुन, उसको इतना समय लगा 700 श्लोक। प्रहलाद शर्मा सर सॉरी आई एम फ्रॉम गुवाहाटी। तो उनको अर्जुन को भगवान कृष्ण को समझने में इतना समय लगा तो हमें कितना समय लगेगा? हम तो कोशिश भी नहीं करते, फिर भी अच्छा है कि हमने श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संगत का द्वारा डिजिटल के द्वारा इंटरनेशनल बांग्लादेश और विशेष कर हमारे वैष्णव भारतवर्षे हमारा जो सत्संगी ग्रुप कृतार्थ भाग्यवान ये एक संस्था ये एक प्रयास हजार धन्यवाद। এখানে কেউ আমাদের থেকে এর বিনিময়ে পয়সা কেউ খুঁজে নাই। এখানে শুধু প্লিজ 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 কৃষ্ণ কথা শুনেন রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে। এখানে 7 দিনের রবিবারে রাখা হয়েছে আই থিঙ্ক নট অনলি সপ্তাহে একদিন দ্যাট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট আই থিঙ্ক ডেইলি ডেইলি রেগুলার নিরন্তর নিরন্তর ডেইলি যেভাবে আমরা जैसे हम डेली खाना खाते डेली सोते डेली कर्म करते वैसे भगवान कृष्ण का कोई भी एक श्लोक रेगुलर पूजा में बैठ के केवल अगरबत्ती जला के फल दे के दैट इज नॉट सफिशियंट। गीता को वाणी को एक श्लोक मिनिमम परमानेंट संकल्प करे पढ़ते 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 एक दिन मिनिमम पढ़ते 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 कृष्ण ने क्या क्या बोला, कृष्ण ने एकादशी बोला, एकादशी से पाप नाश, स्वास्थ्य का सुधार एवं स्पिरिचुअल शक्ति ब्रह्म मुहूर्त तारपरे वेजिटेरियन। तो ये सब एक दिन में नहीं होगा क्योंकि हम ये कलयुग में तामस भरा जीवन कलयुग है। यहाँ पर हमें जो इंद्रिय हमारा जो पंच इंद्रिय है, ये जो हमारा बदमाश मन है, ये जो हमारा बुद्धि है, ये जो हमारा शरीर है जो कि आत्मा का चारों तरफ गीता का 3 नंबर श्लोक का 42 नंबर श्लोक में बताया गया है। शरीर का शरीर से भी बलवान शरीर में खाली शरीर क्या बोलूंगा तो करी शरीर से भी बलवान इंद्रिय, इंद्रिय से भी बलवान मन, इंद्रिय का मालिक मन, मन से भी बलवान बुद्धि, फिर बुद्धि को भी जो प्रेरणा देता है चेतन शक्ति आत्मा, ये समझना चाहिए हमें। हरे कृष्णा। 26 नंबर श्लोक की बोला है
तत्पश्चात स्थितान पार्थ पितृना पितामहान आचार्यन मातरन भातृन पुत्रन पुत्रन सती सखीं सस्तता ससुरान सुहृदश्चैव सेनयोरो भयोरपि। अर्थात यह पर इतना संस्कृत में टाइम वेस्ट जरूरत नहीं है, हमें पढ़ना भी कम आता है, सीधा मीटिंग में जाते हैं। इसके बाद पिता पुत्र अर्जुन ने अर्जुन को दोनों सेना के बीच में अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया भगवान श्री कृष्ण को। अर्जुन था क्षत्रिय, अर्जुन भागना चाह रहा था अपना ड्यूटी से, अपना क्षत्रिय धर्म निभाने से, अपना राजा का ड्यूटी पालन करने से, अपना बचपन से जो सिखाया गया कि तुम अधर्म को नष्ट करने के लिए तुम राजा बने हो, तुम पैदा हुआ, तुम क्षत्रिय हो, ये हमारे लिए क्या लागू है हम अपना लाइफ में, हमारा चारों तरफ हमारा परिवार में हमारा परिवेश में जो भी अधर्म चल रहा है, जो भी शास्त्र विरुद्ध चल रहा है, उसका विरुद्ध खड़ा होना हमारा क्षत्रिय धर्म है, ये मैसेज है। तब अर्जुन को बताया था कि अधर्म को नष्ट करो, धर्म को स्थापन करो, अभी नपुंसक मत बनो। मैं सीधा मीनिंग में जाता हूँ, वन बाय वन इसमें इतना कोई मजा नहीं आ रहा है। इसके बाद पिता पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा को दादा परदादा को गुरुओं को मामाओं को भाइयों को दोनों सेनाओं के बीच रखा कर दिया अर्जुन को। अर्जुन मोहित हो गया क्योंकि अपोजिट पार्टी में भी सब आत्मीय सज्जन गुरुजन और अपना पार्टी में भी सब आत्मीय सज्जन गुरुजन, लड़ाई होगा तो क्या होगा, कोई भी जो भी मरेगा जिस साइड का भी मरेगा सब आत्मीय मरेगा, इतना सब पाप। केवल दुर्योधन को पनिशमेंट देने के लिए, अधर्म को पनिशमेंट देने के लिए इतना सब मरेगा, तो अर्जुन नपुंसक बन गया, अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म ड्यूटी भूल गया। तो हमारे लिए भी वर्तमान में हमारे लिए इससे लेसन हमको सीखना है कि हमने अपना जीवन में और हमारा संसार में और हमारा समाज में हमारा देश में जो भी शास्त्र विरुद्ध चल रहा है, वर्तमान में हम जर्जरित है, संपूर्ण जर्जरित, संपूर्ण तामस, संपूर्ण पशु जीवन, पशु का जो निम्न वृत्ति राक्षस जीवन, दूसरा जीव को मार के खाना, तामस वस्तु खाना, शास्त्र विरुद्ध चलना, ये सब अधर्म है। इस अधर्म को नष्ट करना हमें वर्तमान में, पहले मैं अपना जीवन से जितना भी निगेटिविटी, जितना शास्त्र विरुद्ध, गीता विरुद्ध, गुरुदेव कथा विरुद्ध जत पहला मैं पालन करी, तारपर मैं मोर परिवार मोर समाज मोर देश सबको हमने धर्म स्थापन करना। अर्जुन को सिलेक्शन किया है भगवान श्री कृष्ण ने क्योंकि वो पुरुषोत्तम था, वो स्पिरिचुअल था, वो भक्त था, वो एकादशी करता था, वो बुद्धिमान था, वो इंद्रियजीवी था। हम वर्तमान में क्या है, इस इंद्रियों से इतना डूबा हुआ है, इस इंद्रिय तृप्ति को, इस इंद्रियों को, भूख को हमने अनलिमिटेड, इंद्रियों नेवर, इंद्रिय कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। तो यह पर दोनों तरफ आत्मीय स्वजन को देख के अर्जुन क्या हो गया, संस्कृत तो हम नहीं पढ़ रहे, टाइम वेस्ट होगा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलास इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सुखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप हो सक। पहले तो अभी तो बुद्धिमान बन रहा है अर्जुन, अपने आप को करुणा, अपने आप को दयालु, अपने आप को बहुत महत्व शो करना चाह रहा है, जबकि उसका ड्यूटी था अधर्म नष्ट करना। दुर्योधन देश से उस काल में दुर्योधन देश से गोपनाथ सिंह नसर वेलकम, उस समय में दुर्योधन जैसे ने जो अधर्म को प्रेरणा दिया था उसको नाश करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को सिलेक्शन किया, अर्जुन को क्षत्रिय को उसको उकसाया, क्षत्रिय धर्म को उकसाया। अर्जुन अपने आप को समझता था मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं लड़ाई में जीतूंगा,
लड़ाई तैयार हो गया, रेडी हो गया। अभी लड़ाई में दोनों तरफ अपना आत्मसन देख के मुंह में आ गया, मुंह हो गया उसको। हम भी अपना संसार में मुंह में फंसा हुआ है। मेरा परिवार जन जो गलत काम करते हैं, मैं भी करता हूँ गलत काम, मैं खुद भी करता हूँ, उसको अनदेखा करता हूँ, तो हम मुंह में फंस गया। इंद्रियों का रस भूगने में इतना फंसा हुआ है। तो हम गीता पढ़ने से हमको समझ, विवेक शक्ति, हमारा जो अवचेतन मन में इस गीता को पढ़ते 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 गीता का मीनिंग को अवचेतन मन में अगर रिकॉर्ड कर दिया जाए, भगवान कृष्ण नाम को रिकॉर्ड किया जाए, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी सदगुरुदेव हो सकता है, कोई भी सत मंत्र हो सकता है, उसको हम जप करते करते, भगवान नाम का जप करते करते रिकॉर्ड किया जाए, तो मृत्यु का समय में कृष्ण ने बोला है कि तभी क्लियर स्पष्ट एक एक बात को समझाया है। मृत्यु का समय में केवल संसार को भूलते, केवल कृष्ण नाम, कृष्ण शरण, कृष्ण कृष्ण शक्ति, कृष्ण ज्योति, कृष्ण प्रकाश, कृष्ण ज्ञान आलोक शक्ति को, कृष्ण नाम को स्मरण करते करते आखिरी सांस त्याग करेगा। मित्र एक्स्ट्रा ढाला हो इसमें, क्योंकि इस 26 नंबर 38 नंबर श्लोक में केवल तैयारी है, बस इसमें कोई खास नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ढाल रहा हूं। तो कृष्ण ने क्लियर स्पष्ट, यहाँ पर कोई मीडिया डर नहीं है बीच में, डायरेक्ट कृष्ण, इस गीता भगवान श्री राम कृष्ण हमें मानना चाहिए, और हमें अर्जुन को, अर्जुन का ड्यूटी हम पालन करना चाहिए। हरे कोई भी भगवान ना, ओंकार नाम को भगवान कृष्ण ने कई बार ओंकार में बोला हो, इसलिए हम ओंकार को कोई भी मंत्र बिना ओंकार से स्टार्ट नहीं होगा। ओंकार नाथ ब्रह्मांड में गूंज रहा है। हमारे ऋषि मुनि ने बहुत साल पहले ध्यान से ओंकार नाथ को श्रवण किया है। हम भी ध्यान में बैठ के चुपचाप ब्रह्म मुहूर्त, खास करके ध्यान में बैठ के अगर हम अपना अंदर का आत्मा का आवाज सुनने का चेष्टा करें, तो वहां से हमको एक शब्द मिलता है ओंकार ध्वनि। प्रैक्टिकल खुद हमको उतरना पड़ेगा। सदगुरु हमें केवल इशारा, केवल हमें गुरु मंत्र दे सकता है। प्रैक्टिकल ग्राउंड में उस परंपरा, सदगुरु परंपरा, जे कृष्ण तत्व, कृष्ण जे ज्ञान, कृष्ण शक्ति, उसको हमें खुद इंडिविजुअल खुद उतरना पड़ेगा। जम्यम, जम मीन्स डोंट, जो नहीं करना चाहिए, नियम मतलब जो करना चाहिए। जम नियम, पूजा पाठ, शास्त्र पाठ, ध्यान, जप, सोच, शुद्धता, सोच बहुत जरूरी है। वन बाय वन कलयुग होने के बाद भी हम एक शरीर नश्वर है, ये समस्त जगत अप टू सूर्य, अप टू सूर्य भगवान नश्वर है, केवल जो चेतन शक्ति हमारा अंदर वो अमर है। तो ये सब जान के हमें एक किताब पढ़ने से हमको पता चलेगा, हाँ हमारा अंदर जो जंपिंग कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, जो चेतन शक्ति वो कृष्ण है। कृष्ण पर संपूर्ण, भगवान कृष्ण पर हमें संपूर्ण स्टैंडर्ड जब तक नहीं करेंगे, आज एक देवता, काल दूसरा देवता, काल तीसरा गुरु, परसु दूसरा मंत्र, भागो 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 भागो, इंद्रिय तृप्ति, ये मन बदमाश, मन को पहचाने, अपना मन को पहचाने, अपना बुद्धि को सटीक बुद्धि ज्ञान देने के लिए केवल एकमात्र भगवत गीता का स्मरण में आइए। हे सुधी युक्त भक्त वृंद, हम एक दूसरा को मोटिवेट करके एक दूसरा को सत्संग, दिस इज कॉल्ड सत्संग। आज अभी हम सत्संग में बैठे, भगवान कृष्ण का ज्ञान का बात चल रहा है, यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण प्रमाणित। अगर हम ठीक ठीक निष्काम भाव से कृष्ण कथा अगर पढ़े सुने, ध्यान भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित, हम पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यस यस, हमें कृष्ण तत्व, कृष्ण रस, कृष्ण प्रकाश, कृष्ण ज्ञान हमें जीते जी मरने के बाद सर्व कृष्ण दिखाए।
कर रहा हूँ क्योंकि जो संसारी है अभी तो उनको बहुत संसार ड्यूटी करना है। 60 के बाद हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए, डेली निरंतर श्रीमद भगवत गीता पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ते पढ़ते एग्जाम में भी कम हो सकता है। भगवान प्रहलाद जी शास्त्र में लिखा है 7 साल 7 जन्म विष्णु का पुजारी होने के बाद 14 साल में सातवां जन्म में 14 साल में नरसिंह अवतार कर पाया। कितना एग्जाम्पल है। तो हमें जो संस्कार है, अपना संस्कार को अर्थात अपना स्वभाव को, हमारा जो आज तक जो जिया है, देयर इज नॉट राइट वे, देयर इज सो मेनी रॉन्ग। कृष्ण भक्त हमारा 100% नो डाउट, शास्त्र भरा भरा प्रणाम, भूरी भूरी प्रमाण, टॉप भगवान श्री कृष्ण, बाकी देव देविता तोले एज ए मिनिस्टर, एज एमएलए, एज ए कर्मकर्ता। तो आमी भगवान श्री कृष्ण सम्पूर्ण सरेंडर जतक्षण ना आसी, जतक्षण ना कृष्ण परिचय परमात्मा परिचय ना पासी, बार बार आशा अनुजाई आकांक्षा अनुजाई बार बार जन्म करते रहो। क्लियर स्पष्ट गीता में लिखा है। उपस्थित सम्पूर्ण बंधु को देख कर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शुक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलासी इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे और मुख सुखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन तो भाग्यवान था, उसको विषाद आया। तो हमारा जीवन में भी जब विषाद आए तो ये भगवान का कृपा समझना चाहिए। विषाद आने का बाद ही गीता का उत्पन्न हुआ है। जब अर्जुन विषाद जब उसने देखा कि यहाँ पर तो सब मेरा आत्मीय सदन मर रहा है, मैं सामान्य राज्य के लिए इतना आदमी को मारने का अधिकारी नहीं हूं, बहुत दुखी हो गया, मैं क्या करूं। उसको समझ में नहीं आ रहा है, शरीर कंपन हो रहा है, हाँ धनुष गिर रहा है। तो हमारा लाइफ में वो तो अर्जुन तो अच्छा था किस्मत, और भगवान कृष्ण को उपदेश मोटिवेटर मिला है। तो हमें ये गीता भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेटर, वे लकी। हमें अभी तक विषाद अभी तक पैदा क्यों नहीं हुआ, ये हमको दुखी होना चाहिए। अभी भी हम लालसा आकांक्षा, अरे 60 पार हो गया, मृत्यु वेटिंग कर रहा है बाहर, हमारा सामने हमारा दोस्त जाने लग गया, सब छोड़ के गया, केवल कृष्ण नाम साथ जाता है, केवल कृष्ण नाम, केवल संस्कार, भक्ति का ज्ञान का जो संस्कार है वो साथ जाता है। हमारा मृत्यु का समय जो चिंतन, अगर संसार का चिंता करे तो संसार भुख के लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा, अगर कृष्ण का स्मरण में रहे तो फिर हम मोक्ष प्राप्त तो बहुत दूर का बात है। ज्ञानी का घर में, पंडित का घर में, धनी का घर में और धर्म स्थल में पैदा होकर दोबारा इस संस्कार को, ये जो भक्ति है, इसको हम दोबारा नेक्स्ट क्लास से हमारा अगला जन्म शुरू होगा। संपूर्ण हमारे ऊपर डिपेंड है कौन से घर में पैदा होना है, लड़की स्त्री पैदा होना है या पुरुष पैदा होना है, अच्छे घर में पैदा होना है, खराब घर में पैदा होना है, संपूर्ण रिजर्वेशन हमारा ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है। देयर इज नॉट अ 100% सत्य, ये मान के चले। वर्तमान जो हमारा परिवेश है, हमारा घर है, हमारा मन है, हमारा इंद्रिय है, हमारा शरीर है, इसको कंट्रोल, इसका स्वामी मैं हूँ, ना कि इंद्रियों मेरा स्वामी है, ना कि मेरा मन स्वामी है, इसको हमको समझना चाहिए। ये अभी तक हमको समझ में नहीं आया। हम कृष्ण को मुंह से कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, फिर मांग के बैठ जाते हैं, दैट इज नॉट राइट वे। हम फिर किसी दूसरा भगवान का, दूसरा देव देव का चक्कर में, दैट इज नॉट राइट वे। ओनली कृष्ण,
29 नंबर पढ़ लिया, 30 हमारा लास्ट है। आज से गंभीर धनुष गिर रहा है और तैयारी बहुत चल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने का अभी समर्थ नहीं हूँ। अर्जुन संग्रह कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पंडित बन गया अभी, जबकि वो अधर्म को नष्ट करके धर्म स्थापन करने के लिए पैदा हुआ था। तो अर्जुन ने इसको मोटिवेशन किया, फिर धर्म स्थापन किया। सेम हमको ये गीता पाठ करके हमें अपना जीवन में, अपना जीवन में, अपना स्वभाव में, अपना परिवार में, अपना समाज में, हमें जितना भी कुरीति है, कुस्वभाव है, कुचिंतन है, कुकर्म है, ये सब को हमने वन बाय वन, एक बार से नहीं हो पाएगा, एक दिन में नहीं होगा। हमारे पास कितना कलुषित मन, कितना गंदगी स्वभाव, कितना इंद्रिय तृप्ति का बाहर एक अंदर दूसरा, तो हम कभी भी हम ऊपर नहीं उठ सकते। हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, संकल्प संकल्प मस्त। कोई भी साधारण घर का कोई भी काम करते हैं तो संकल्प करने से होता है। तो सो भगवान को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए, अपना स्वभाव को परिवर्तन के लिए हमें संकल्प, एकादशी संकल्प, ब्रह्म मुहूर्त के संकल्प, त्रिसंध्या का संकल्प, निरामिष का संकल्प, शास्त्र ज्ञान का संकल्प, गुरु ग्रहण का संकल्प, गुरु मंत्र का जप का संकल्प, 108 बार, दैट इज नॉट सफिशियंट। गुरु मंत्र को जप करते करते शुद्धता मेंटेन करके, हाइजीन को ध्यान में रखते हुए हमें प्योर प्योर पवित्र पवित्र उच्च उच्च प्योर प्रेमी भक्ति, जब तक हम अपने आप को लाइफस्टाइल आर्ट ऑफ लिविंग चेंज नहीं करेगा, स्वभाव चेंज नहीं करेगा, खाद्य चेंज नहीं करेगा, कर्म चेंज नहीं करेगा, सेवा चेंज नहीं करेगा, तब तक हम भागो 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 जीवन दरिस, उसके लिए हम पैदा नहीं हुए। हमने मानव जीवन पाया है, हमें चेतन शक्ति का परसेंटेज दूसरा जानवर से, वृक्षों से, दूसरा जीवों से, हमें मनुष्य जाति को चेतन शक्ति ज्यादा हमको प्राप्त हुआ है कृष्ण का अशेष कृपा, भगवान कृष्ण का अशेष कृपा। फिर हमने वही वैष्णव धर्म में पैदा हुआ है, भालो भालो, हमें जिस घर में जिस समाज में पैदा हुआ है, कृष्ण भाई बात, कृष्ण का नाम हमने माँ का पेट से भगवान कृष्ण का नाम सुना है। हमने प्रहलाद जैसे, नारद जी से विष्णु का सुना है नाम, हमें माँ का पेट से हमारा बाप दादा भगवान कृष्ण का शरण में थे, हमारा साधु ठाकुर भगवान कृष्ण का प्राप्त हुआ है। और क्या एग्जाम्पल चाहिए इससे ज्यादा, भूरी भूरी प्रमाण शास्त्र में पढ़ते रहे निरंतर निरंतर, श्रद्धाएं पाठ करते हुए निरंतर, हमें पूजा पाठ ध्यान जप तप श्रद्धाएं मस्त, एक दिन पढ़ के संडे, एक दिन पढ़ के नहीं होगा जीवन में, एक दिन पढ़ के नहीं होगा, एक दिन पढ़ के, एक बार पढ़ के गीता को अगर समझ लिया तो हमसे ज्ञानी और कौन है, नेवर, नहीं हो सकता है। बार बार पढ़ने का बाद बड़े बड़े ऋषि मनुष्य विचित हुआ इस इंद्रिय का लुर्बता से, सावधान, जितना लाइफ चला गया वो तो हम घुमा नहीं सकते, जितना बचा हुआ है चार भाग का तीन भाग तकरीबन खत्म हो गया है, पता नहीं वेलकम, हमारा जीवन का लाइफ का चार भाग का तीन भाग तकरीबन खत्म हो गया और एक भाग रह गया, हो सकता है काल मरे आग मरे, मरने के बाद थन थन पाल सुई का अग्रभाग तक छोड़ के जाना पड़ेगा, नो डाउट देयर इज, उसके बाद अगला जन्म कहाँ जाके पैदा होंगे कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि हमारा इच्छा इतना गंदा है, हमारा आकांक्षा इतना भरा हुआ है,
कृष्ण का शरण में आए, गीता का शरण में आए, हे भक्तजन, हे शोधी बिंदो, आप सभी का भक्त बिंदो का जहाँ भक्त है वहाँ भगवान श्री कृष्ण, भक्त का अलावा कृष्ण हो ही नहीं सकता। कृष्ण भक्त का पुजारी, भक्त का पुजारी कृष्ण। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा वैश्यना का दिखाए दिखाने पर अर्जुन ने शत्रु पक्ष में खड़ा अपने सगे संबंधी को देखे, परिवार के ही प्रिय सत्य सदस्य। अभी और 10 मिनट है, प्लीज। परिवार के ही प्रिय सदस्य को पहचाना, जिनमें भाई भातीजा गुरुजन पिता माँ और अन्य सभी परिचित सुहृद जन थे। शत्रु पक्ष में ही नहीं बल्कि अपने पक्ष में भी सभी परिचितों का देखकर युद्ध में कोई भी मारा जाने पर भी अपना ही आत्मीय सब बहुत भयभीत परिणाम सोच लिया। हमारा श्लोक का हिसाब से मैं फिर दोबारा रिटर्न हो गया। परिणाम सोच के अर्जुन भयभीत हो गया, जो भी मरेगा मेरा आत्मीय मरेगा, तो विषाद। हमें अपना लाइफ में अब तक जितना गंदे काम किया है, जितना भी शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इससे विरत रहने का विषाद दुख बहुत जरूरी है। विपरीत परिस्थिति बहुत जरूरी है। अर्जुन को तो समझ में आ गया, उसने सरेंडर कर दिया कृष्ण का सामने। अभी हमने सरेंडर करना है सीता का सामने, सरेंडर करना है कि अब तक हमने गलती से अज्ञान से कलयुग का कारण पूर्ण लाख लाख जन्मों का स्वभाव का कारण हमने आज तक अभी तक गलत काम कर रहे हैं, कृष्ण से विमुख है, इसके लिए हमने विषाद। हे भगवान, हमें दुख कब पैदा होगा? भगवान कृष्ण का शरण में कब आएंगे? इस गीता ही भगवान श्री कृष्ण है, नो डाउट 100%। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे सामने आएगा तो ज्ञान नहीं होगा तो हमें समझ नहीं आएगा। अतएव श्री गीता का थ्रू गीता पढ़ के ज्ञान बढ़े, इस ज्ञान से ही इस चेतन को कृष्ण का अंश परमात्मा का अंश इस चेतन चैतन्य को परिचय पाने के लिए शुद्ध ज्ञान कहाँ मिलेगा? केवल गीता में मिलेगा। शास्त्र भरा पड़ा, इतना शास्त्र पढ़ने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हमें प्लीज 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 रिक्वेस्ट, ऐसा श्री कृष्ण चैतन्य भगवत संघ द्वारा कम से कम मिनिमम हफ्ता में सामने रखा है, दैट इज ऑल्सो लकी। तो हमें प्रेरित होना है, होकर हमें इस गीता को केवल मेरे पढ़ने से नहीं होगा, इंडिविजुअल सबको रिक्वेस्ट किया जा रहा है अपना घर में गीता ग्रंथ को रखे, खुद पढ़े, पढ़ाए, सुनाए, बच्चे को संस्कार दे। जिस घर में गीता पाठ होगा, गीता शास्त्र का अध्ययन पूजा पाठ होगा, श्री कृष्ण का भजन होगा, शंख ध्वनि होगा, उस घर में नेक्स्ट जनरेशन संस्कार, हमें बच्चों को संस्कार ही दे सकते हैं। संपत्ति में भी 2 दिन में खत्म कर देगा, दैट इज नॉट प्योर। तो हमें केवल संस्कार खुद पालन करके संस्कार देके जाना है। अगला जन्म का हमने रिजर्वेशन, अगला जन्म का हमने रास्ता, अगला जन्म का हमने सनातन धर्म में हम मानते हैं हमारा और एक जन्म है, ये लास्ट जन्म नहीं है, ये पहला जन्म नहीं है। हमने पहला जन्म का प्रारब्ध जो कर्म किया उसी हिसाब से ये नया शरीर मिला, ये व्यक्तित्व, तो ये वैष्णव घर में पैदा हुआ, ये हिंदू घर में, ये सनातन धर्म में कृष्ण का पूजा करने वाला घर में पैदा हुआ, पहले कोई अच्छे काम किया होगा, कृष्ण का शरण किया होगा। अगर हम आज करें डेली करें तो नो डाउट 100% हमें अगला जन्म, इस जन्म तो हम उपभोग करेंगे, नो डाउट 100%। अगला जन्म में हमारा नेक्स्ट क्लास जितना ज्ञान प्राप्त हुआ कृष्ण के बारे में, समझ जितना आया, नेक्स्ट क्लास शास्त्र में प्रमाणित गीता में प्रमाण कृष्ण स्वयं अपना मुंह से बोलाए, मीडिया तर यह नहीं है। अगर हम कृष्ण पर यकीन हो, विश्वास हो, गीता पर विश्वास हो,
सफिशियंट। एक गीता, एक शास्त्र आज तक कितना भी महापुरुष इस गीता को पढ़ के जितना भी महापुरुष हुए, गीता का हिसाब से, गीता का नियम से, गीता का ज्ञान से जिसने अपना जीवन अतिवाहित करना शुरू कर दिया, हमें आज तक अगर गलती से भूल हुआ है कोई बात नहीं, विषाद आए अर्जुन जैसा, हमें सुधारना जरूरी है। हमें अपना राइट वे, कुछ इज राइट, व्हाट इज राइट, इस गीता में, इस गीता में। तो अपना अपना घर में गीता को रखने का प्रयास करे, संकट धरी करे, संस्कार अपना स्वभाव को, वर्तमान जो पहले का जो स्वभाव है, निगेटिव स्वभाव, तामस स्वभाव, राक्षस स्वभाव, टू मच रोज, टू मच करेक्शन, टू मच इंद्रिय भूख, 60 का बाद धीरे धीरे कृष्ण का शरण में आने का अलावा हमारा कोई और रास्ता नहीं है। नहीं तो बार बार इस संसार में नया नया शरीर धारण करना पड़ेगा, भूगना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, भागो 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 जीवन, देयर इज नो लाइफ। शांति जीवन, प्रेमी जीवन, ज्ञान जीवन, भक्त जीवन, भक्त मत आंतरिक जे भक्त आनंद, जे भक्त पान मीराबाई जा पे साधु ठाकुर जा पे प्रहलाद जे आंतरिक आनंद पूर्ण विश्वास फले, वही आंतरिक आनंद, वही आंतरिक प्रेम, वही चेतन शक्ति, वही कृष्ण शक्ति के परिचय पावा मृत्यु पूर्वे पूर्वे तार जन्य हमें साधन करते हैं, हमें चेष्टा करते हैं, हमें प्रतिज्ञा करते हैं, हमें शास्त्र मते गीता मते चला वन बाय वन। एक दिन हमें ना, एक दिन में नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क में भरा पड़ा हुआ है इंद्रिय 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 इंद्रिय, मन मन बदमाश मन बुद्धि कचरा भरा हुआ है ड्यू टू कलयुग। हमने प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, तकरीबन खत्म हो रहा है, थोड़ा सा लास्ट रह गया। कोई भी मरे तो अपने ही आत्मियों को बहुत केवल दुर्योधन के साथ बदला लेने के चक्कर में इतना सब मारा जाएगा, और जिनको जब महसूस हुआ तब क्या हो गया, मुंह से अज्ञान से उसने अपना जो ड्यूटी है धर्म को स्थापन और धर्म को नाश करने का जो उसका ड्यूटी था, हमारा ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी है। इससे हमको क्या लेसन मिला, हमारा जो क्षत्रिय धर्म मिला हमको, क्षत्रिय धर्म में हमने अपना जीवन में जो तामस भरा है, जो रजस भरा है, इसको माइनस वन बाय वन माइनस करके सात्विक में आए। गीता में बोला है सत्व को भी त्याग करके और ऊपर जब जाएंगे तब हमने उस चैतन्य उस कृष्ण का परिचय हमें, इतना आसान नहीं है, एक दिन में नहीं होने वाला है, मैं भी एक जन्म कम होगा, फिर भी हमने भक्ति का क्लास में, कृष्ण का क्लास में हमने एंट्री हो गया है, नर्सरी में हो कोई बात नहीं, अगर निरंतर रेगुलर निरंतर मस्त एक दिन पकड़े नहीं थी। हमें एक घंटा हो गया है, सभी भक्त वृंद का चरण स्पर्श, सभी भक्त का अंतर में जो आत्मा परमात्मा का अंश, सभी आत्मा को, शुद्ध आत्मा को, भक्तजन, ये जो अभी हम लाइफ में हम आया है, जो सुनने में आए दया और कृष्ण भक्त, और उनका अंतर में आत्मा में कृष्ण प्रकाश, कृष्ण ज्ञान और भी जागे, यही हमने प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण को शरण करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हमें केवल फोटो में लिमिटेड नहीं रहना है, केवल मूर्ति का अंदर लिमिटेड नहीं रहना है, फोटो से मूर्ति से और भी ऊर्ध्व बहुत कुछ है। इसके लिए हमको ज्ञान चाहिए, नियम पालन, शुद्धता,
प्रेम ज्ञान सत्संग मस्त। वी आर सोशल, हम अकेला नहीं जी सकते, सोशल। सो हमें एक सत्संगी ग्रुप चाहिए, वो ग्रुप हमको भगवत संघ श्री कृष्ण चैतन्य भगवत संघ का जो आज हमको मिला है। आज का ये जो एक घंटा हमारा जीवन में सार्थक, हमने ज्ञान प्राप्ति का जो कोशिश हमने पाया है, इसके लिए इस संघ का एडमिनिस्ट्रेशन सबको धन्यवाद। सभी भक्तों को बार बार हमें कृष्ण कथा कहा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण भजन, कृष्ण नाम जहां भी चल रहा है सब काम छोड़ के। अरे जब से पैदा हुआ तब से मन ने दम तक हमने काम ही काम, काम ही काम, इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय, मन मन मन, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, भागो भागो। अरे वेट, स्थिर हो जाओ। हमें अलौकिक शक्ति इस संसार में, देयर इज नो डाउट, अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति, कृष्ण शक्ति, देयर इज। इस संसार कितना सिस्टमेटिकली चल रहा है, अनएक्सपेक्टेड, हमारा समझ से बाहर। तो केवल कृष्ण कथा सुनने से, गीता कथा सुनने से कृष्ण का जो शक्ति है, जो पावर है, उसको हमको